वेलकम बैक टू माय चैनल जायंट इन्फो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहीद की जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी उनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा 9 सितंबर 1974 को पालमपुर में जी ए बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर विक्रम का जन्म हुआ था विक्रम की स्कूली पढ़ाई पालमपुर में ही हुई सेना छावनी का इलाक़ा होने की वजह से विक्रम बचपन से ही सेना के जवानों को देखते थे कहा जाता है कि यहीं से विक्रम खुद को सेना की वर्दी पहने देखने लगे स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद विक्रम आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चले गए कॉलेज में वे एनसीसी एयर विंग में शामिल हो गए कॉलेज के दौरान ही उन्हें मचेंट नेवी के लिए चुना गया था लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ी में एमए के लिए दाखिला ले लिया इसके बाद विक्रम सेना में शामिल हो गए 1999 में करगिल युद्ध शुरू हो गया इस वक्त विक्रम सेना की तेरह जम्मू कश्मीर राइफ़ल्स में तैनात थे विक्रम बत्रा के नेतृत्व में टुकड़ी ने हम्प व राकी नाब स्थानों को जीता और इस पर उन्हें कैप्टन बना दिया गया था श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर महत्वपूर्ण पाँच हज़ार एक सौ चालीस पॉइंट को पाक सेना से मुक्त कराया बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बाद भी कैप्टन बत्रा ने 20 जून 1999 को सुबह तीन बजकर तीस मिनट पर इस चोटी को कब्ज़े में लिया कैप्टन बत्रा ने जब रेडियो पर कहा ये दिल मांगे मोर तो पूरे देश में उनका नाम छा गया इसके बाद चार हज़ार आठ सौ पचहत्तर पॉइंट पर कब्ज़े का मिशन शुरू हुआ तब आमने सामने की लड़ाई में पांच दुश्मन सैनिकों को मार गिराया गंभीर जख्मी होने के बाद भी उन्होंने दुश्मन की ओर ग्रेनेड फेंके इस ऑपरेशन में विक्रम शहीद हो गए लेकिन भारतीय सेना को मुश्किल हालातों में जीत दिलाई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल